दोस्तों, कुछ ऐसी हिंदी वेब सीरीज जिनकी स्टोरी आपको सच में हर तरफ से सेटिस्फैक्शन करने वाली होगी। इस स्टोरी में आप अच्छा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। ये सभी सीरीज में वो सब चीज है जो कि आप देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है दी विसल ब्लो। दोस्तों, इस सीरीज में आप एजुकेशन को लेकर सबसे खतरनाक क्राइम्स को देखने वाले होते हैं। किस तरह एजुकेशन को लेकर स्कैम किए जाते हैं और इसके पीछे किसका हाथ रहता है, ये सारी की सारी चीजें ये सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है। सीरीज की स्टोरी आपको सच में अमेजिंग लगने वाली होगी। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड की प्रेजेंटेशन अमेजिंग है। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इवन इसकी एंडिंग भी आपको काफी हद तक पसंद आएगी। एक डिफरेंट स्कैम को दिखाने की कोशिश करती है ये पूरी की पूरी सीरीज। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.4। नंबर 6 पर है ह्यूमन। दोस्तों, इस सीरीज की कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। कहानी में आप देखने वाले होते हैं कुछ ऐसे डॉक्टर जो कि अपने फायदे के लिए लोगों को मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचक जा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आप कुछ ऐसे भी डॉक्टर से मिलने वाले होते हैं जो कि अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं लोगों को बचाने के चक्कर में। और यही चीज ये पूरी की पूरी सीरीज बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करती है। एक ऐसी डॉक्टर जो कि अपनी दवाई मार्केट में लाने के लिए बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ा देती है, लेकिन दूसरे ही तरफ एक ऐसे भी डॉक्टर है जो कि किसी भी तरह से उसका पर्दाफाश करना चाहती है। और लास्ट तक इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है, यह तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की कॉन्सेप्ट सच में अमेजिंग है। इवन इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसके टोटल 10 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। एटलीस्ट ये सीरीज भी आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे डिज्नी हॉट स्टार पर अवेलेबल की गई है। नंबर 5 पर है माई। दोस्तों, अपने बच्चे पर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो माँ कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, यह इस सीरीज में दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी माँ से जो कि अपनी बेटी को खो बैठती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि उसकी बेटी को किसी ने मार दिया है। और माँ निकल पड़ती है अपने बेटी का बदला लेने के लिए और अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। और लास्ट तक वो सभी क्रिमिनल्स को किस तरह ढूंढ ढूंढ कर मारती है, ये तो आप सीरीज में देखें तो ही आपके लिए अच्छी है। सीरीज के प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इस सीरीज में आप हर एक एपिसोड में अच्छी खासी थ्रिल भी एंजॉय करने वाले होंगे। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट भी की गई है। इस सीरीज की एंडिंग भी आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। नंबर 4 कैट। इस सीरीज की शुरुआत होती है गुरनाम से, जो कि अपने भाई के साथ पंजाब में आराम से लाइफ बिता रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसके भाई को ड्रग्स स्मगलिंग के केस में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। गुरु नानक से अपने भाई को पुलिस के हाथों से छुड़ाना चाहता है, लेकिन पुलिस के हाथों से छुड़ाने के लिए उसे एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। और असल में यह कीमत क्या है और लास्ट तक वह अपने भाई को ड्रग्स से स्मगलिंग के हाथ से किस तरह बचाता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज में आप अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि ये सीरीज एक्चुअल में पंजाब के कुछ रियलिटी को दिखाती है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड की प्रेजेंटेशन अमेजिंग है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। नंबर 3 पर है दिल्ली क्राइम। दोस्तों, इस सीरीज के 2 सीजन रिलीज किए गए हैं और हर एक सीजन एक सच्ची घटना से ली गई है। पहले सीजन में हम निर्भया केस को देखने वाले होते हैं और निर्भया केस की हर एक डिटेल को यह पूरी की पूरी सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है। और दूसरे ही सीजन में हम चड्डी गैंग को देखने वाले होते हैं जिन्होंने दिल्ली के नाक में दम करके रख दिया था। उनका मोटो ही था, जिस घर में बुजुर्ग रहते हैं उसी घर में वो डकैती करते हैं।
क्योंकि बुजुर्गों को मार के डकैती करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो रहा होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस लास्ट तक इन क्रिमिनल तक किस तरह पहुंचती है और क्रिमिनल्स को किस तरह पकड़ती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज की एक भी एपिसोड आप स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप कोई अच्छी ही चीज देखने वाले होते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। नंबर 2 पर है असुर। दोस्तों, आपने यूं तो असल में वो लोगों को मारने से पहले वह सिर्फ इंडियन एपिक का ही सहारा क्यों ले रहा होता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की हर एक एपिसोड बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से प्रेजेंट की गई है। इवन इसकी एक भी एपिसोड को आप स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड में आप कोई अच्छी सी चीज ही देखने वाले होते हैं। सीरीज की हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट भी की गई है। ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि थ्रिलर और मिस्ट्री सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज में हल्के फुल्के एक्शन भी आप एंजॉय करने वाले होते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 99.5। नंबर 1 पर है दोस्तों मिर्जापुर। दोस्तों, इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिर्जापुर शायद ही किसी ने मिस किया हो। कहानी की शुरुआत होती है मिर्जापुर से, जहां पर कालीन भाई अपना ही एक राज्य चला रहे होते हैं। लेकिन इसी राज्य को गुड्डू नाम का एक लड़का पूरी तरह से तरबतर कर देता है, लेकिन लास्ट तक कालीन भाई गुड्डू से अपना रिवेंज लेने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, ये तो आपको सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं और हर एक सीजन माइंड ब्लोइंग है। यानी कि इस सीरीज को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसका मतलब है आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। हर एक सीरीज को छोड़ के इस सीरीज को आप पहले देखिए अगर आपने इस सीरीज को ना देखी हो। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो कि एक्शन और थ्रिलर एक साथ देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होते हैं। लेकिन इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले हो जाते हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने परिवार के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5।